संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी को महास्नान और विश्राम कराने के बाद माँ गंगा वापस लौट गई हैं। 16 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहने के बाद शनिवार को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। शाम को 4 बजे से आम श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन और पूजन का सिलसिला शुरू कर दिए हैं। इस बार माँ गंगा ने हनुमान जी महाराज को नहलाने के लिए विशेष दिन चुना था। जन्माष्टमी के दिन 18 अगस्त की रात 11:45 पर माँ गंगा मंदिर के गर्भगृह तक पहुँची और वैदक मंत्रोच्चार के बीच माँ गंगा ने अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाया था। श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी के पीठाधीश्वर महंत बलवीर पुरी ने बताया कि इस बार गंगा मैया ने हनुमान जी को केवल 16 दिन का विश्राम दिया। 16 दिन पहले 18 अगस्त की आधी रात माँ ने हनुमान जी को नहलाया था। तब से मंदिर के कपाट बंद थे। अब जबकि पानी निकल गया है, शुक्रवार को मंदिर परिसर की साफ सफाई और धुलाई की गई है। वैसे तो माँ गंगा खुद पति पावनी हैं, उनके आने के बाद किसी शुद्धिकरण की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी मंदिर की साफ सफाई के दौरान लोगों के पैरों से जो धूल कण आए हैं उसके कारण मंदिर का एक बार शुद्धिकरण विशेष विधि से किया जाएगा। हनुमान जी महाराज का विशेष स्नान होगा, पंचामृत से उनका विशेष अभिषेक और पूजन कराने के बाद उनका श्रृंगार करा जाएगा। इसके बाद शनिवार की शाम 4 बजे से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। संगम से 800 मीटर दूर बंधवा स्थित हनुमान जी का मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो बहुत थके थे। माँ सीता ने उन्हें इस निर्जन और पावन स्थान पर विश्राम के लिए भेजा था। यह मंदिर एक बांध पर स्थित है, इसलिए इसे बंधवा हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। कुछ लोग इस मंदिर को बड़े हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।